Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Healthcare. So guys, देखिए जब महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है तो ओवुलेशन के बाद सबसे पहला क्वेश्चन महिलाओं के माइंड में यही आता है कि इस महीने उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव होगी या नहीं होगी. अगर होगी तो किस तरीके से जल्द वो अपनी प्रेगनेंसी को पहचान सकती है, क्योंकि सबको क्यूरियोसिटी रहती है जानने की. और प्रेगनेंसी जो टेस्ट है यूरिन में वो पीरियड के लाइक एक हफ्ते से लेकर 10 दिन में पॉजिटिव आता है, बट प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स हैं वो पहले ही महिलाओं की बॉडी में नजर आना शुरू हो जाते हैं. बट ये जरूरी नहीं है गाइस कि हर किसी महिला की बॉडी में अर्ली फेज में जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे नौजिया होना, पेट में दर्द होना, ब्रेस्ट में सोरनेस जैसी फीलिंग, ये हर महिलाओं को दिखे. क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो हार्मोन भी उनका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता है, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो धीरे धीरे महिलाओं को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स विजिबल होने लगते हैं, तब महिलाएं जान पाती हैं. तो अगर आपको जल्दी जानना है तो उसके लिए क्या कर सकती है, तो उसके लिए आपको एक काम करना है, अपने सर्विक्स की पोजीशन को एग्जामिन करना है. देखिए गाइस, अर्ली प्रेगनेंसी में महिलाओं की सर्विक्स की पोजीशन में कुछ चेंजेस होते हैं, बट कई महिलाओं को पता रहता है कि ये चेंजेस होते हैं, बट महिलाओं को ये नहीं पता रहता कि ओवुलेशन के कितने दिन बाद ये चेंजेस आपको नजर आएंगे. तो आज के वीडियो में मैं आपको सब जानकारी देने वाली हूँ कि अगर ओवुलेशन के दौरान स्पर्म सेल और एग सेल मिले हैं या एग फर्टिलाइज हुआ है तो उस टाइम सर्विक्स की पोजीशन कैसी रहती है, या अर्ली प्रेगनेंसी में सर्विक्स की पोजीशन कैसी रहती है, ओवुलेशन के कितने दिन बाद सर्विक्स की पोजीशन में चेंजेस आते हैं जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ही आसानी से जान सकते हैं. तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो आप सर्विक्स जानिए होता क्या है. जो यूट्रस है यानी बच्चेदानी के मुंह को हम सर्विक्स कहते हैं. वजाइना और यूट्रस के बीच में होता है ऐसा गोल डोनट शेप में, उसे हम सर्विक्स कहते हैं. इसी में चेंजेस आते हैं जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है. पर प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले ओवुलेशन के टाइम, जब महिलाओं का ओवुलेशन होता है, हर महिला का ओवुलेशन मिड में होता है, तो उस टाइम भी बच्चेदानी के मुंह में यानी सर्विक्स में चेंजेस आते हैं. इस टाइम जो सर्विक्स होता है वो ऊपर चला जाता है और हल्का सा ओपन हो जाता है और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है, जिससे जो डिस्चार्ज है वो गीला डिस्चार्ज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है. अगर ओवुलेशन के दौरान स्पर्म सेल और एग सेल सक्सेसफुली मिल गए हैं तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एग फर्टिलाइज होता है. एग फर्टिलाइज होने को लाइक मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम लगता है. कुछ महिलाओं में ओवुलेशन के दिन ही एग फर्टिलाइज हो जाता है, कुछ महिलाओं के नेक्स्ट डे होता है. तो आपको ये समझना है, देखिए जो ओवुलेशन का टाइम पीरियड होता है वो 24 से लेकर 36 घंटे का होता है. तो अगर आपका एग फर्टिलाइज हो भी गया है तो आपको जो सर्विक्स की पोजीशन है वो ही रहेगी, आपकी हाई रहेगी, सॉफ्ट रहेगा वो एरिया और ओपन रहेगा इतने टाइम पीरियड तक. यानी एक से लेते 2 दिन तक तो आप बता ही नहीं सकते कि आपका एग फर्टिलाइज हुआ है या आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है. अगर ओवुलेशन के दौरान एग फर्टिलाइज हो गया है तो वो मूव करेगा फैलोपियन ट्यूब से, और जब वो पहुंचेगा यूटरन वॉल पे और वहां पे बरो होगा, आरोपित होगा, तब जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है. इसे कंप्लीट होने में, लाइज इस प्रोसेस को खत्म होने में, सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन होने में 8 से लेके 12 दिन का टाइम लगता है. तो आपको समझना है जो प्रेगनेंसी आपको कंसीव होती है वो 8 से लेके 12 दिन के बीच में होती है, बट जो एग फर्टिलाइज होता है वो जल्दी हो जाता है. और एग फर्टिलाइज का ये मतलब नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई. तो आपको ये समझना है कि ओवुलेशन के 2-3 दिन तक अगर आपको पोजिशन हाई लग रही है, सॉफ्ट लग रही है, तो वो आपका ओवुलेशन है. और ओवुलेशन के 2-3 दिन बाद अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, यानी स्पर्म सेल और एग सेल मिल गए, एग फर्टिलाइज हो गया, तो जो आपको सर्विक्स की पोजीशन नजर आएगी अगर आप एग्जामिन करेंगे तो वो पोजीशन अगेन लो चली जाती है, वो हाई नहीं रहती है. वो हाई सिर्फ ओवुलेशन के टाइम ही रहती है. अगर एग फर्टिलाइज हो भी गया है तब भी वो पोजीशन लो हो जाती है और सर्विक्स बंद हो जाता है. उसका काम अभी खत्म है, स्पर्म सेल अंदर चला गया है, अभी सर्विक्स का काम खत्म है, तो वो बंद हो जाएगा क्योंकि अभी कोई स्पर्म सेल अंदर एंटर नहीं कर सकता, इसलिए वो पोजीशन बंद हो जाएगी और साथ ही साथ वो पोजीशन लो हो जाती है. अगर आप नकल रूल अप्लाई करते हैं, नकल रूल में क्या होता है, ओवुलेशन के टाइम भी अगर आप नकल रूल अप्लाई करते हैं तो आप अपनी फिंगर वजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं, उससे आपको पता चलता है कि पोजीशन हाई है या लो है, या वो एरिया सॉफ्ट है या हार्ड है या कैसा है. तो नकल रूल ही आपको अप्लाई करना है, उससे ही आप जान सकते हैं. तो ओवुलेशन के बाद अगर एग फर्टिलाइज भी हो गया होगा तो आपकी जो सर्विक्स की पोजीशन रहेगी वो लो रहेगी और वो जो एरिया है वो आपको हार्ड लगने लगेगा. और जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी तब आपको सर्विक्स की पोजीशन में चेंजेस नजर आते हैं अर्ली फेज में.
तो आपको सर्विक्स तो एग्जामिन करना ही है ओव्यूलेशन के बाद, मगर ज्यादा ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो जबरदस्ती आप वजाइना के अंदर फिंगर इंसर्ट करें तो इससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसका भी एक प्रोसेस होता है करने का, वो आगे मैं आपको समझाऊंगी, बट उससे पहले हम जानते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी में सर्विक्स की पोजिशन कैसी रहती है। और जो ये चेंजेस देखेंगे आपको 8 से लेकर 14 दिन के बीच में ही नजर आएंगे। कुछ महिलाओं के केसेस में जल्दी आ जाते हैं नजर, जिनको जल्दी इम्प्लांटेशन सफल होता है। कुछ महिलाओं के लेट आते हैं, जिनको लेट प्रेगनेंसी होती है। लगे अगर आपको 14वें दिन में प्रेगनेंसी कंसीव होगी पीरियड डेट के आसपास या पीरियड डेट के एक दिन बाद, तो आपको ये चेंजेस उसके बाद ही नजर आएंगे। क्योंकि कई महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि उनको पीरियड आने से पहले बिल्कुल उनका सर्विक्स उन्हें एग्जामिन किया था, उनको सेम लाइक अर्ली प्रेगनेंसी के सर्विक्स की पोजिशन फील हुई थी, बट उसके बाद उनको पीरियड आ गए, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कुछ महिलाओं के केसेस में प्रेगनेंसी जल्दी हो जाती है, पीरियड डेट से 1 हफ्ता पहले हो जाती है, 2-4 दिन पहले हो जाती है, बट कुछ महिलाओं के केसेस में पीरियड डेट के आसपास या पीरियड डेट के बाद होती है। अगर आपका ओव्यूलेशन डेट हुआ है, एग फर्टिलाइज हुआ है, तो सब चीजें डिपेंड करती है, उसके बाद ही इम्प्लांटेशन सफल होता है। यानी जब इम्प्लांटेशन सफल होगा, हार्मोन आपके बढ़ने लगेंगे, तभी जाके आपको अर्ली प्रेगनेंसी में सर्विक्स की पोजीशन में चेंजेस दिखाई देंगे। देखिए, जब प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो आपको सर्विक्स सबसे पहले सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, आपको बिल्कुल ऐसा जो वजाइना की वॉल्स होती है ना उसकी तरह फील होने लग जाता है। और इसके साथ साथ जो वो पोजीशन है आपको हाई फील होगी, यानी आपका जो नकल रूल आप अप्लाई कर रहे थे, आप देखेंगे आपकी फिंगर थोड़ा अंदर तक इंसर्ट हो रहे हैं, बट वो सर्विक्स क्लोज रहता है जब तक बच्चों को आप बॉर्न नहीं करते। जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम सर्विक्स खुलता है, बट अर्ली प्रेगनेंसी में इस तरीके के चेंजेस आप देख सकते हैं। आपको अर्ली प्रेगनेंसी में ये भी फील होगा, जो वजाइना की वॉल्स थिकन हो गई हैं और ब्लड सर्कुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से महिलाओं का गीला डिस्चार्ज निकलना शुरू हो गया है, जो कभी भी आपको पीरियड आने से पहले महसूस नहीं होगा। तो इस बात का आपको नोट करना है, अगर आपको लाइक पीरियड आने से पहले इस तरीके के चेंजेस दिख रहे हैं या पीरियड आने के बाद इस तरीके के चेंजेस दिख रहे हैं, तो ये 101% बहुत ही ऑथेंटिक सा साइन है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी। और इस केस में लाइक अगर आप 4-5 दिन बाद भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो आपका बिल्कुल पॉजिटिव आएगा, यानी उसमें 2 डार्क पिंक लाइन आपको दिखाई देगी। और इसी तरीके से आप बच्चेदानी के मुंह के पोजिशन के थ्रू जान सकते हैं कि इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, कब चेंजेस होते हैं। मैंने आपको समझा दिया है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा एंड इससे आपको प्रेगनेंसी पता करने में हेल्प मिलेगी। एंड यही है आज का वीडियो, होप करती हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।